हेलो दोस्तों, ग्लैमर ब्यूटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुपमा परमेश्वरन के बारे में। अनुपमा परमेश्वरन एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु, मलयालम और तमिल फिल्मों में काम करती हैं। उन्हें मलयालम फिल्म प्रेमम में मैरी जॉर्ज के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। अनुपमा रेड मैगजीन और साउथ सिनेमा की वो हॉट गर्ल हैं, जिन्होंने अपने हुनर और आकर्षण से लाखों फैंस का दिल जीता है। अनुपमा का जन्म 18 फरवरी 1996 को केरला में हुआ था। 24 वर्षीय अनुपमा ने डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा हासिल की। सीएमएस कॉलेज में अनुपमा ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और एक्टिंग के फील्ड में करियर बनाने के लिए कॉलेज ड्रॉप कर दिया। मलयालम फिल्म प्रेमम में मैरी जॉर्ज के रोल से उन्हें बहुत लोकप्रियता हासिल की। फैंस उन्हें प्रेमम गर्ल के नाम से भी संबोधित करते हैं। उसके बाद अनुपमा ने जेम्स एंड अलाइट, कोड़ी, प्रेम, तेज आई लव यू, हेलो ग्रुप, प्रेमा कोसामे, रक्षा सुडू, मनियारेले अशोका जैसे बेहद शानदार मूवीज में इनके प्रशंसनीय अभिनय का दीदार करने को मिला। अनुपमा ने बहुत ही कम समय में अपना एक अच्छा खासा नाम स्थापित कर दिया है, जो कि बहुत प्रशंसनीय है। इन्हें द्वितीय IIFA अवार्ड्स और जी सिनेमा लोई अवार्ड्स मिले। 2016 में उन्हें फिल्म प्रेमम के लिए 11वां रामू खैरी अवार्ड जीता था, जो कि मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस की श्रेणी में मलयालम फिल्म में आता है। 2016 में उन्हें फिल्म प्रेमम के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए एशियन नेट फिल्म अवार्ड से नामांकित किया गया था। 2016 में ही फिर से उन्हें SIIMA पुरस्कारों में प्रेमम मलयालम फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू की श्रेणी में नामांकित किया गया। 2017 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण श्रेणी के लिए एक तेलुगु फिल्म AAA के लिए अप्सरा पुरस्कार जीता। 2017 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में तेलुगु फिल्म प्रेमम के लिए आईफा उत्सवम पुरस्कार जीता। वह विशेष रूप से तमिल दर्शकों को धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने एक ही फिल्म प्रेमम में उन्हें स्वीकार किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि परिणाम इतना सफल होगा और वह इस प्रेमम फिल्म से बहुत खुश हैं। उन्हें तब बहुत खुशी हुई जब निर्देशक सैंथिल ने उन्हें कोड़ी ऑडिशन के लिए बुलाया। उन्हें लगा कि यह एक जैकपॉट फिल्म है, क्योंकि वह एक प्रमुख स्टार दानुष के साथ अभिनय करने जा रही थी। वह उत्सुकता से फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रही थी ताकि प्रतिक्रिया मिल सके। वह बहुत कुछ सीखना पसंद करती हैं और उसे विभिन्न लोगों के साथ अभिनय करने की भी जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। अभी तक अगर आपने ग्लैमर ब्यूटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही कर लीजिए। देखते रहिए ग्लैमर ब्यूटी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।